साथ चुनाव कराने की चर्चा के बीच आज चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के दौरान उठा ईवीएम का मुद्दा। कांग्रेस ने चुनाव बैलेट पेपर से कराने की रखी मांग, अन्य दलों ने किया इससे किनारा। कांग्रेस इस मुद्दे पर अकेली नजर आई। श्रीनगर होटल कांड में भारतीय सेना के मेजर लितुई गोगोई के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही। मेजर गोगोई को ड्यूटी के दौरान कहीं और होने का ठहराया गया जिम्मेदार। साथ ही निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय लोगों से मेल जोल बढ़ाने का है आरोप। संघर्ष क्षेत्र में स्थानीय महिला से संबंध बनाने का पाया गया दोषी। रोहतक के लाड़ोद स्थित एक गुरुकुल के 6 स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का लगाया आरोप। गुरुकुल के प्रबंधक से शिकायत की तो बच्चों को डांटकर पूरा मामला दबाने की गई कोशिश। राखी के मौके पर जब परिवार वाले बच्चों से मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताई पूरी आपबीती। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर शुरू की जाँच। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सिंधु जल समझौते पर चल रहा है विवाद। पाकिस्तान में इमरान खान की नई सरकार आने के बाद एक बार फिर दोनों देश इस मसले पर कर सकते हैं बातचीत। भारत इस मुलाकात को सिंधु जल समझौते के तहत बता रहा है जरूरी। वहीं पाकिस्तान कृष्णगंगा प्रोजेक्ट पर भारत को घेरने की कोशिश में। पोप फ्रांसिस के आयरलैंड पहुंचने पर लोगों ने किया प्रदर्शन। कैथोलिक चर्च में यौन शोषण के मामलों को स्वीकार करने और न्याय दिलाने की गई मांग। पीले और सफेद झंडों से सजे डबली में हजारों प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। चर्च से की गई कार्यवाही की मांग। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा था कि अगर मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली होती है तो भारत को आक्रमण कर देना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने स्वामी के बयान को उनकी निजी सोच बताया है और इससे किनारा कर लिया है। पाकिस्तान की नई सरकार ने खर्चों पर लगाम लगाने के लिए अपने अभियान के तहत हवाई अड्डों पर नेताओं, न्यायाधीशों, सैन्य अधिकारियों समेत प्रभावशाली लोगों के लिए वीवीआईपी संस्कृति पर लगाई रोक। डॉन अखबार ने सूचना मंत्री फवाद चौधरी के हवाले से लिखा कि बिना किसी भेदभाव के सभी यात्रियों को समान मौके देने के लिए किया गया फैसला। सख्ती से लागू होंगे नए नियम। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इस साल अपने स्टाफ की सैलरी में इजाफा करने से कर दिया है इनकार। फाइनेंशियल ईयर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने के बावजूद बीसीसीआई ने एम्प्लॉयज की इंक्रीमेंट की योजना को टाल दिया है। बीसीसीआई में करीब 100 एम्प्लॉयज हैं जो उसके लिए पैरोल पर काम करते हैं। भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन यानी ग्रेग चैपल ने भी विराट कोहली को इस युग में महानतम खिलाड़ियों में किया शामिल। चैपल बोले, विराट ने नॉटिंघम में जिस तरह अपनी कप्तानी से सभी को किया प्रभावित, साफ है कि वह बल्ले के साथ ही कप्तानी में भी है सफल। बोले, कोई भी कोहली की बल्लेबाजी और आक्रामक कप्तानी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता है। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। एशियन गेम्स के बैडमिंटन महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय। चीनी ताइपे की ताई जू इनके साथ था मुकाबला। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट पहली बार भारत में कर सकते हैं प्रत्यक्ष निवेश। बफेट की वर्कशेयर हैथवे पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में निवेश को लेकर कर रही है बातचीत। 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए तक का कर सकते हैं निवेश। मामले से जुड़े दो लोगों ने दी जानकारी। वीवो ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतों में 4,000 रुपए तक की कमी। कंपनी ने अपने वीवो V9, वीवो Y83, वीवो X21 की कीमतें घटाई। घटी हुई कीमतें सोमवार 27 अगस्त से हो सकती हैं लागू और वीवो X21 फ्लैगशिप स्मार्टफोन 31,990 रुपए में खरीदा जा सकेगा। अगस्त के महीने में भारत में लॉन्च हुए कई स्मार्टफोन्स, इस दौरान 8,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए की कीमत तक के फोन आए भारत। सैमसंग गैलेक्सी नोट 9, ओप्पो 9 प्रो, शाओमी के नए सब ब्रांड पोको का पोको F1, मी A1 के अपग्रेडेड वेरिएंट मी A2 जैसे कई फोन्स ने भारत में दर्ज कराए अपनी मौजूदगी। 10 दिन पहले ही देश के रिटेल दिग्गज फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर किशोर बयानी ने अपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर 2800 से 3,000 करोड़ रुपए जुटाने का किया था फैसला। इसके बाद से ही रिटेल दिग्गज जैसे गूगल, अमेजॉन, अलीबाबा और वॉलमार्ट के बीच इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए लेकर मच गई है होड़। सभी फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की पंक्ति में आना चाहते हैं आगे। हॉलीवुड सिंगर निक जोनस से सगाई कर प्रियंका ने किया था अपने रिश्ते को ऑफिशियल। सगाई के बाद निक पेरेंट्स के साथ लौट गए थे अमेरिका। खबरों की माने तो प्रियंका अब उनसे मिलने अमेरिका पहुंच गई हैं। दोनों हवाई में कर सकते हैं शादी। निक की पसंदीदा जगहों में से एक है हवाई।
बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल का बयान, बोले संजू में पूरे मीडिया कम्युनिटी को नहीं दिखाया गया है खराब। बोले इंडस्ट्री के उस हिस्से पर रोशनी डाली गई है जो चीजों को सनसनीखेज बनाता है। दरअसल फिल्म के निर्माताओं पर लीपापोती, मीडिया पर प्रहार और गुणगान करने का आरोप है, लेकिन विकी का कहना है कि फिल्म पूरे मीडिया कम्युनिटी को गलत नहीं ठहराती है। पटौदी खानदान के चिराग तैमूर अली खान ने बड़े क्यूट अंदाज में मनाया अपना रक्षाबंधन। उन्होंने सोहा अली खान की बेटी इनाया और सारा अली खान से बंधवाई राखी। तैमूर की तस्वीरें सारा और सोहा ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से की शेयर। तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर हो गई वायरल। पिछले दिनों नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया पर दी थी प्रेगनेंसी की खबर। अब वह करीना कपूर के बाद दूसरी बॉलीवुड स्टार बन गई है जिन्होंने बेबी बंप के साथ रैंप पर किया है वॉक। रैंप पर नेहा धूपिया अपने पति अंगद बेदी के साथ आई नजर। लैक्मे फैशन वीक 2018 के लिए किया था यह रैंप वॉक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट के जरिए भेजें।